मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्राणी संग्रहालय में करोड़ों रुपयों की लागत से फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कार्यालय में मीडिया को बताया कि जानकारी के मुताबिक इस एक्वेरियम में कई प्रजातियों की मछलियां एक्वेरियम में रहेगी। एक्वेरियम बनाने के पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और तमाम इंतजाम को लेकर डिजाइन तक फाइनल की जाएगी। नगर निगम द्वारा जारी किए गए बजट के लिए इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इंदौर जू के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा कि निगम बजट में प्राणी संग्रहालय के बनने वाले फिश एक्वेरियम के लिए राशि मंजूर की गई है। काम शुरू कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक्वेरियम में एक्सपर्ट की मदद से समुद्र जैसा खारा पानी तैयार किया जाएगा। एक्वेरियम में उसके पानी के लिए कुछ अनोखे प्रबंध किए जाएंगे ताकि मछलियों को यहाँ समुद्री एहसास हो सके। इसलिए आधा शुद्ध पानी रहेगा और आधा समुद्री पानी मिलाया जाएगा। इसके लिए कुछ स्थानों पर पानी के टैंक बनाए जाएंगे। फिश एक्वेरियम जू आने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, नगर निगम ने बजट पेश किया है, जू के लिए एक अलग बजट पेश किया है, किस तरह से यहाँ पर आने वाले काम किए जाएंगे और फिश एक्वेरियम को लेकर भी बजट में राशि तय की गई, क्या व्यवस्था रहेगी आगामी दिनों में? देखिए, जो ओवरऑल बजट तो जो रेगुलर रूटीन जो अलर्ट होता वो तो हुआ ही है, लेकिन थोड़ा स्पेशल इस बार जो फोकस किया है माननीय आयुक्त महोदय प्रशासक महोदय ने वो एक्वेरियम को लेकर किया है कि एक्वेरियम की भी काफ़ी डिमांड है, एक्वेरियम होना चाहिए जू में, और उसी को ध्यान में रखते जिस तरह से हमारी एक वाक्य नेवेरी बनी है जो इंटरनेशनल मापदंडों को पूरा करती है, इसी मापदंडों पर इंटरनेशनल मापदंडों पर एक फिश एक्वेरियम का होना इंदौर जू में ज़रूरी, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी इस तरह का बड़ा एक्वेरियम नहीं है जिस पर मरीन फिश भी हो, समुद्री फिश भी हो, जिसको हम खारे पानी की मछलियाँ बोलते हैं, और फ्रेश वाटर की मछलियाँ भी हो। तो प्लान यही किया है, उसी के तहत ये बजट का लोकेशन हुआ है कि एक बड़ा फिश एक्वेरियम जो टनल शेप हो, जिसमें उस टनल में चारों तरफ सिर के ऊपर, पैर पे, दाएं बाएं सब तरफ मछलियां तैरती हुई मिले, एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो, और बड़ा अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट होगा। तो हम लोग उसकी अब तैयारी कुछ शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारी एक्सपर्टीज जो इस फील्ड में काम करती है उनको भी हम लोग इन्वाइट करेंगे और उनसे भी सलाह लेके फिर हम लोग उसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे और टेंडर फ्लोट करेंगे। कितनी प्रजाति की फिश होगी? देखिए, मरीन अगर फिश की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में इनकी प्रजातियां हैं और बहुत ही कलरफुल फिशेस है इसमें। जो मुख्य आकर्षण रहेगा उसमें जो शार्क भी रहेगी, शार्क के अलावा जो स्टिंग रे, जेली फिश और ये अलग अलग टाइप की फिशेस जो आम तौर पर पब्लिक को देखने को नहीं मिलती वो फिश रहेगी। और वैसे भी जो मरीन फिश रहेगी उसमें पानी हम लोग अलग से यहाँ पे जो मरीन वाटर का जो पीएच लेवल रहता है वो बनाएंगे, उसमें उसकी एक प्रोसेस होती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर उसको इस्टेब्लिश करेंगे उस प्लांट को, क्योंकि मरीन फिश जनरली जो फ्रेश वाटर में के एरिया जो है वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती, तो एक अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा वो। और ऑक्टोपस भी उसमें हम लोग समावेश करेंगे उसमें हमारे कलेक्शन में, और बहुत अच्छी अच्छी रंगीन फिशेस, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो देखने को मिलेगी। अब तक संभावना व्यक्त की जाए? और देखिए, अभी बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी तो बस उसका बजट एलोकेशन हुआ है और अब हम लोग उस पर काम करना शुरू किया है। अभी हमारी जो एक्सपर्टीज है उससे भी हम लोगों का एक बार बातचीत हुई है, उसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ एक बार हमारे हर अथॉरिटी के सामने दिलाएंगे उसका प्रेजेंटेशन, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती है, क्या क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर उत्तम यादव, इंचार्ज, इंदौर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।